हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुड़हल का पौधा, मतलब हिबिस्कस प्लांट। अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं आ रही हैं और पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्योंकि अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मी में गुड़हल के पौधे का ग्रोइंग पीरियड होता है। हर गुड़हल का पौधा इस तरह से ग्रो भी करता है और ढेरों कलियां प्रोड्यूस करता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको कौन सी खाद देनी है जिससे कि आपका पौधा ग्रोथ भी कर सके, इस तरह से ग्रोथ भी कर सके और उस पर ढेरों इस तरह से ब्रांच भी आएँ और फ्लावरिंग भी कर सके। तो आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट पर अभी इससे पहले मैंने अपने रेड गुड़हल का वीडियो बनाया था, आपने बहुत पसंद किया है। आज मेरे पिंक रंग के गुड़हल ने फ्लावरिंग करी है तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी। तो साथियों, अगर नहीं आ रहा है, कुछ इन चीज़ों की समस्याओं का समाधान मैं लेकर आई हूँ, इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्लांट की कलियाँ सूख कर गिर जा रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे किचन में ही है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल हम अपने किसी भी फ्लावर प्लांट में, फ्रूट प्लांट में करते रहेंगे तो बिना एक रुपया खर्च किए ही हमारे गार्डन में गुड़हल के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, खूब कलियां पा सकते हैं। इस तरह से कलियां भी पा सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी है, फिर भी ग्रोथ अच्छी है, फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां भी नहीं आ रही हैं आपके प्लांट पर। तो इसका ये मतलब है कि आपके प्लांट के सॉइल में पोटेशियम की कमी है। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसको पोटेशियम केवल देने से ही फ्लावरिंग करने लगता है, जिसको फूल देने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पोटेशियम की। दूसरी समस्या है कि आपका पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। जैसा आपने लगाया था वैसा ही आपके गार्डन में वैसे ही बना हुआ है, तो इसका मतलब है पौधे की जड़ें जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर रही हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पौधे की मिट्टी आपकी सही नहीं है, आपकी मिट्टी जो बनी है वो परफेक्ट अच्छी मिट्टी नहीं बनी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी पौधा आप लगाएं गार्डन में, चाहे गुड़हल हो, चाहे बेला चमेली हो, तो इनकी पौधे की मिट्टी बहुत पोरस बनानी चाहिए। पोरस मतलब वेल ड्रेन सॉइल हो, भुरभुरी हो, जिसमें पौधे की जड़ें आसानी से सांस ले सकें। तो एक कारण ये भी है कि आपकी मिट्टी अच्छी तो है मगर उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, क्योंकि इस प्लांट को ये हैवी फीडर प्लांट है, आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है तो आपके पौधे में नाइट्रोजन और कैल्शियम की भी कमी हो सकती है। तो आपके पौधों को चाहिए नाइट्रोजन और फास्फोरस वाला फर्टिलाइज़र। तो अगर मिल जाएगा उसमें थोड़ा सा कैल्शियम भी मिल जाएगा तो और भी बेहतर होगा। तो आपका पौधा अगर इन फर्टिलाइज़र को पा जाएगा, मैं अभी पूरा प्रोसेस बनाने का भी दिखाऊंगी और इस्तेमाल करने का भी प्रोसेस दिखाऊंगी। तो इसके इस्तेमाल से आपके प्लांट गुड़हल के पर ग्रोथ भी स्टार्ट कर देगा आपका पौधा, इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस भी देना शुरू कर देगा और फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं। इससे पहले मैं फर्टिलाइज़र बताऊं साथियों, आपको बात कर लेते हैं हम कि कई कमेंट आ रहे हैं कि कलियां मैम बन तो रही हैं, बहुत सारी बनती हैं, लेकिन बिना खिले ही सूख कर गिर जाती हैं। कलियां बनने के बाद खिल नहीं पाती हैं, सूख कर गिर जाती हैं।
ऐसा क्यों होता है, इसके भी पीछे कई कारण होते हैं। पहला तो है कि मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव है, तेज़ धूप गर्मी है और इनकी कलियाँ भयानक धूप को सहन नहीं कर पा रही हैं। और मेरे तो प्लांट में कोई भी कली ऐसी नहीं है जो आपको दिखा सकूं, लेकिन जनरल कॉमन समस्या है कि कलियां बिना खिले ही जलकर गिर जा रही हैं। इसका कई कारण है, मौसम बहुत तेज़ गर्म है, अब पौधा स्ट्रेस में आ जाता है तेज़ धूप से और इसके कारण कलियां सूखकर गिर जाती हैं। दूसरा कारण है कि आप गुड़हल के पौधे में या तो पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कई लोग सोचते हैं कि पानी ज़्यादा दे दो, खूब ज़्यादा दे दो, दो दो तीन तीन बार, तो पौधा खूब ज़्यादा खिलेगा। ऐसा नहीं है, या तो आपके पौधे में पानी की अधिकता है या पौधे में पानी की कमी है। इस चीज़ों से भी हमारा पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और कलियाँ सूख कर गिराने लगता है। एक कारण है कि पोटेशियम की कमी आपकी मिट्टी में होगी तो कभी भी आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर आपके मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा कम है, आपने कम न्यूट्रिशन वाला फर्टिलाइज़र दिया है, तो आपकी कलियां ड्रॉप ज़रूर से ज़रूर होंगी। तो इस तरह से अभी आपको मैं बताऊंगी कि क्यों गिर जाती हैं कलियां भी। अगर आपके प्लांट का ड्रेनेज होल गमले का अच्छा नहीं है, पानी दिया उसमें ठहरा हुआ है, पानी से कीचड़ हो जाता है, तो जड़ें अच्छे से सांस नहीं ले पाती हैं और इससे कलियां स्ट्रेस में आ जाती हैं, कलियां ड्रॉप हो जाती हैं, सूख कर जल कर गिर जाती हैं। अब पोटेशियम की कमी की वजह से साथियों पौधे की कलियां गिरने लगना एक बड़ा रीज़न है। कुछ एक कीड़े ऐसे होते हैं जो मिट्टी में पनप जाते हैं, इसकी मिट्टी में पनप जाते हैं और स्टंप से होते हुए कलियों तक पहुंच जाते हैं और अंदर ही अंदर इन कलियों को खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स बैड होते हैं जो ख़राब होते हैं, हमारी मिट्टी में पहुंच के कलियों को खाने लगते हैं। इसका ट्रीटमेंट मैं बताऊँगी, पहले हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे हमारे पौधे पर इस तरह से बड़े बड़े फूल आने लगें। अब जो हम इस्तेमाल करेंगे इससे आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी, आपका पौधा गर्मियों में लगातार कलियां देता रहेगा, फ्लावरिंग करता रहेगा। इस समय हमारे इस प्लांट पर 9 फूल खिले हुए हैं। देखिए गर्मी का सीज़न इनके लिए बहुत बेस्ट होता है। पूरा पौधा जिस फर्टिलाइज़र को मैं देने जा रही हूँ इससे आपका पौधा न्यूट्रिशन की कमी ख़त्म हो जाएगी और कलियाँ प्रोड्यूस करने लगेगा, पौधा फूलों से भर जाएगा। सारी चीज़ें अपने घर के किचन में ही मिल जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है साथियों, हवा तेज़ चल रही है, डिब्बे से दबा दिया है, सबसे पहले नंबर पर आता है, मैं तो बना चुकी हूँ, मात्र आपको दिखाने के लिए मैंने मटेरियल रखा है, मेरा फर्टिलाइज़र तैयार है। सबसे पहले आपको लेना है 2 प्याज के छिलके और 2 सूखे केले के छिलके। दूसरा नंबर पर लेना है, बहुत तेज़ हवा है, उड़ जाएगा। तो पहले नंबर पर है देखिए प्याज का छिलका, दूसरे नंबर पर है केले का छिलका। इन दोनों चीज़ों को धूप में खूब अच्छे से सुखा लेना है, क्योंकि आपके किचन में ही पोटाश का बहुत अच्छा सोर्स है। प्याज के छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है और सभी को पता है कि सूखे केले के छिलकों में भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन की कमी पौधे में बिल्कुल नहीं होने पाएगी। केले के छिलके में NPK बराबर बराबर मात्रा में मिलता है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम। तो पौधे की पत्तियां पीली नहीं होंगी आपके। आपको इसके साथ लेना है, आपको सुखा के इनको रात भर के लिए इस तरह से पानी में भिगो देना है। ध्यान रहे कच्चे केले के छिलके, कल एक लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम कच्चे के छिलके डाल सकते हैं, तो दोस्तों नहीं, कच्चे के छिलके, कच्चे छिलकों से फंगस लगने का डर रहता है। जब आप पौधे इसके छिलकों को देखिए, मैंने 6-7 केले के छिलके सुखा के रखे हैं, सुखा लेते हैं तो इसमें पोटेशियम की मात्रा दुगना बढ़ जाती है और नेचुरल
एनपीके का सोर्स है। प्रचुर मात्रा में केले के छिलके में हमको पोटाश मिलता है, जो पौधे के लिए बड़ा बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर जिन जिन के प्लांटों में गुड़हल के फ्लावरिंग नहीं हो रही है, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर आप डालना शुरू कर दीजिए, आपके प्लांट में 10-15 दिन में ही इस तरह से बड्स बनना शुरू हो जाएंगी और 3-4 दिन में बड्स खिल के फ्लावर में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। हवा बहुत तेज़ चल रही है। इन तीनों चीज़ों को भिगो के रख दीजिए, एक दिन बाद कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, दो छिलके ये भिगोए थे, अब इनको हमें क्या करना है, एक हाथ में कैमरा है, इस तरह से आपको छान लेना है, छन्नी से छान लीजिए। देखिए छिलकों का कलर आप देखिए कितना बढ़िया कलर हुआ है, ज़्यादा हो गया। अब करना क्या है, डाइल्यूट करना है इसमें उतना ही, आधा गिलास ये देखिए फर्टिलाइज़र है, आधे गिलास में ही ये सादा पानी है, सादा पानी आपको मिला देना है। अब तीसरी चीज़ और ऐड करनी है साथियों, देखिए नेस्कैफे है, 1 रुपये का पाउच मिलता है और लगभग सभी के घरों में ये कॉफ़ी पाउडर होता है। इसको काट कर मुश्किल से इसमें आधा चम्मच होता है, आधा पाउच मिला लीजिए। इस तरह से आप इसमें, तीसरी चीज़ है, इसमें भी बहुत अच्छा पोटाश का सोर्स होता है कॉफ़ी पाउडर के लिए। तो इस तरह से अब आपको देना कैसे है, जब आपके प्लांट की मिट्टी हल्की हल्की मॉइस्ट हो, ध्यान रखिए एकदम ड्राई मिट्टी में आपको नहीं देना है, जिस समय आप कोई भी फर्टिलाइज़र दीजिए उस समय मिट्टी मॉइस्ट हो, और इस तरह से अपने प्लांट में, गुड़हल के प्लांटों में आप किसी भी फ्लावर में, बेला में, चमेली में, किसी में भी दे सकते हो। और मैं गारंटी लेती हूँ 10 दिन के अंदर इस तरह से आपके प्लांट में भी कलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, बढ़िया बढ़िया फूल आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से आप 3 चीज़ों का मिश्रण तैयार कर लीजिए। अब टाइम है कि जितना हम इनको, गुड़हल को अच्छी धूप देंगे, ये धूप का पौधा है, जितनी अच्छी धूप देंगे उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा। अब ध्यान रहे, जब भी ये फर्टिलाइज़र आपको देना है 15-20 दिन के बाद ही देना है, और उसके बीच में कोई भी फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। ऐसा ना हो फूल ज़्यादा पाने के चक्कर में आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते रहें। ध्यान रहे आपके पौधे के जो गमला है उसका ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उसमें पानी ठहरने ना पाए। अब मिट्टी गमले का ड्रेनेज होल आप ठीक कर लीजिए, और एक ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल हो, आपको 20 दिन से पहले नहीं देना है दोबारा फर्टिलाइज़र, और बिल्कुल सुबह 5 बजे दें या शाम को दें, दिन की धूप में आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगेगा। तो मेरे प्लांट की जो समस्या है ग्रोथ ना होने की और फ्लावरिंग ना करने की, कलियां ड्रॉप होने की, इन समस्याओं को ठीक कर देगा ये जो आपका होममेड किचन का फ्री का फर्टिलाइज़र है। देखिए इस तरह से आप भी बना लीजिए और अपने गुड़हल के प्लांट में इस तरह से 20 दिन में एक बार देते रहिए, आपके प्लांट में इसी तरह की फ्लावरिंग होगी, ढेरों मात्रा में इस तरह से कलियां आएंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी अपने गुड़हल के प्लांट में इस तरह का ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखिए, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैम आपका फर्टिलाइज़र फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए वीडियो बड़ा हो जा रहा है, कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम वीडियो बड़ा बनाती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताने में साथियों थोड़ा समय लग जाता है, तो क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।